शराबबंदी को लेकर महिलाएं हुई एकजुट। सिवनी जिले के घनसौर थाना क्षेत्र के ग्राम बिनैकी में शराब के कारोबार से ग्राम की महिलाएं बच्चियां सभी भयभीत हैं। शराबखोरी से गांव का माहौल खराब हो रहा है, जो अधिक मात्रा में देसी और कच्ची शराब का व्यापार दिन प्रतिदिन गाँव में बढ़ता जा रहा है, जिसे सामाजिक तत्वों का गाँव में डेरा बना रहता है, जिससे गांव की महिलाएं और बच्चियों में भय का वातावरण दहशत बनी हुई है। बेटियों महिलाओं का जीना दुभर हो गया। शराबी कहीं हैंडपंप में कहीं रास्ते में बैठे रहते हैं, जिससे महिलाओं में डर बना रहता है। इसी कारण महिलाओं ने घनसौर पुलिस को भी बार बार शिकायत की एवं जनप्रतिनिधियों से शिकायत के बाद भी जब कोई कार्यवाही नहीं हो रही तो महिलाओं ने एक रैली निकाल कर सरपंच के घर धरना दे दिया और कहा कि अगर सरपंच गाँव में शराब बंद नहीं कराए तो हमें अनुमति दें कि हम स्वयं आत्मरक्षा के लिए शराबियों और शराब बेचने वालों पर कार्यवाही करेंगे। अरे क्या नाम है आपका? आज आप सब लोग सरपंच साहब के घर के सामने एकत्रित हुए हैं, क्या कारण है? बहुत ज्यादा अत्यधिक दारू पीने के कारण हम लोग बहुत परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चों को आगे तक की बहुत परेशानी होगी। दारू बहुत ज्यादा बिक रही है। पांच लोग दारू में खत्म हो चुके हैं, इसलिए आज बिनैकी स्टेशन की सारी महिलाएं सरपंच के घर के सामने एकत्रित हुई हैं, क्या कारण है? दारू बंद नहीं हो रही सर, बहुत परेशान है। अभी आप लोग आए थे, दारू पकड़ ली, इसके बाद भी कच्ची पक्की बिक रही है, बहुत ज्यादा परेशान। इसीलिए महिला सरपंच की यहाँ खड़ी है, घर में गांव में रैली निकाले सर, बहुत परेशान। आपने शिकायत नहीं की पुलिस को? किए थे सर, वो आए भी थे पर वो नहीं मान रही सर, बहुत परेशान। हम उनको बोलते सर तो वो लड़ती हैं। कौन कौन महिलाएं हैं जो गांव में अवैध व्यापार शराब का व्यापार करती हैं? उनका नाम है एक पूरी भाई यादव, एक सौद्र भाई यादव और पप्पू और पंचम बेगा, इतना ही है, बाकी तो सब लोग ने बंद कर दिए सर। एक मिनट, आप सब महिलाएं आज बिनैकी कला के सरपंच संतोष बेगा के घर के सामने एकत्रित हुई हैं, क्या कारण है? शराब का कारण है शहर बिनैकी से यादव बोल रही हूँ सर की, बहुत पहले से शराब बिक रही है बिनैकी में, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दस से पुलिस कुछ ध्यान नहीं दे रही, हम महिला चार से एक साल से परेशान है करके। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो मान चुकी हैं, कुछ दो चार महिलाएं हैं जो कि वो मान नहीं रही हैं, बोल रही हैं कि हम आप ही के घर पर डेला डालेंगे अगर हमारी सरपार बंद हुई तो। गांजा दारू बहुत ज्यादा बिक रहा है यहाँ, कई परिवार भी बिनैकी में बैठ चुके हैं, इसलिए आज हम ना सरपंच के घर में भूख हड़ताल के लिए सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। इसके लिए आप वो करो, नहीं तो हम तो घनसौर थाना में बैठेंगे। धन्यवाद।